हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। माय नेम इज अमित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर, और आप देख रहे हैं हमारी क्लास दोस्तों, करंट अफेयर्स शो। और आज है 1 मार्च दोस्तों, यानी मार्च की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि मुझसे बोलते थे हमेशा कि सर, अगर हम बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा पहला RRB का देखा जाए तो, है ना। तो हम करंट अफेयर्स 1 मार्च से शुरू करेंगे। तो ये अपने से आपने बना लिया है, अपने से भगवान है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो ये सब नहीं है, एग्ज़ाम में तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है दोस्तों। किसी एग्ज़ाम में 3 मंथ का, किसी में 4 मंथ का, 5 मंथ का, 6 मंथ का, 7 मंथ का आता है क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल फरवरी से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। फिलहाल तो 1 मार्च आ चुका है, वो सारे लोग जाग जाएं जिन्होंने ये बोला था कि सर हम 1 मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि सब बहाने होते हैं, अपने आप को आप अंदर से बस वो करते हो, एक तरह से दिलासा देते हो कि यार देखो ठीक है, 1 मार्च से हम पढ़ लेंगे, 2 मार्च से हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं आती, कभी ख़राब नहीं आती। और करंट अफेयर्स क्लास, आप लोग ये सोचते हो हमेशा यार ये क्लास है, ये क्लास नहीं, ये एक पैकेज है गाइस, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए। सुबह उठते हुए आप एक डिसिप्लिन बनती गाइस, उसके अलावा आपको ढेर सारी नेशनल, इंटरनेशनल, फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है। तो हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, आप कैसे देख रहे हो दोस्तों। MCQs के जरिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की, यानी फिक्की के SG के रूप में, मतलब महासचिव रूप में कौन अपॉइंट हुआ, ये आपसे पूछा गया। वे आर 5 ऑप्शन दोस्तों, और यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द CEO ऑफ द NSE Indices Limited दोस्तों। तो हमारे स्टडी पॉइंट में इंफॉर्मेशन थी, मैंने बोला भी था पढ़ने वालों को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक, विच बैंक अनाउंस दैट इट हैज रेज $750 मिलियन, आंसर इज द HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। हु इज ऑल सेट टू लॉन्च IDFC US ट्रेजरी बॉन्ड, आंसर इज सिंपल सा, IDFC म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ 10-year MOU विद द टाटा टेक्नोलॉजी, अमाउंट इज 5472 करोड़ रुपीज, आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश साइंस MOU विद टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कितने ITI को डेवलप किया जाएगा, तो 150, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंस अ MOU विद द UN वुमेन, ठीक है, आंसर इज द केरला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग संत सेवालाल महाराज जयंती फॉर द फर्स्ट टाइम, संत सेवालाल महाराज वॉज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ विच कम्युनिटी, आंसर इज बंजारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कौन सी बर्थ एनर्जी दोस्तों, तो 284th, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया दोस्तों, आंसर इज शिवमोगा, और ये आपका एक लोटस शेप्ड टर्मिनल है दोस्तों, लोटस मतलब कमल की आकार का ये एयरपोर्ट है शिवमोगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर यह पूछा गया दोस्तों, यह पूछा गया, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड हाउ मैनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो मैंने आपसे छोड़ने को बोला था, तो ये 44 प्रोजेक्ट थे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं एग्जाम में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे शिवमोगा की, तो हमने वही बात की आपसे, कई बार 44 है, ऐसे देख लो बस एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शिवमोगा एयरपोर्ट के कॉस्ट की बात पूछी गई है, तो इसका कॉस्ट है 450 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा गया, फेडरिक एंड्रे इज क्राउन प्रिंस ऑफ द विच कंट्री, आंसर इज डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद द रियल स्पोर्ट्स इंडिया ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्नो मैराथन, आंसर इज जम्मू, जम्मू में भद्रवाह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन बेंगलुरु ओपन दोस्तों, आंसर इज हो जाएगा दोस्तों आपका एम पर्सेल, ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नेम्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों, आंसर इज सज्जन जिंदल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वुमेन 20 कहाँ पे दोस्तों, शंबाजी नगर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितेंद्र सिंह ने दोस्तों कहाँ पे इनोग्रेशन किया इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का, आंसर इज दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8वां एडिशन,
ये कहाँ पे किस देश में होगा दोस्तों? आंसर इज यूएई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग 145 एयर वॉरियर विल पार्टिसिपेट इन कोबरा वॉरियर, कहाँ पे दोस्तों? तो कोबरा वॉरियर यूके में होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 14th राष्ट्रीय, ठीक है आंसर इज राजस्थान बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्ल्ड एनजीओ डेम का बनाते हैं 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कर्नाटका गवर्नमेंट विल बिल्ड द कंट्री फर्स्ट मरीना दोस्तों, कहाँ पे? उडुपी डिस्ट्रिक्ट ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखें, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन 23 अकॉर्ड, ठीक है किसने टॉप किया दोस्तों, यह आपसे पूछा गया। आंसर इज द ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, भारत की इसमें रैंक क्या है दोस्तों? तो भारत की इसमें रैंक होगी 7वीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको दोस्तों, एंड द राइट आंसर इज रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23, आपसे क्या पूछा है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ सिंपल सा है, तो यहां पर सीधे आपसे पूछा है बैंक क्रेडिट ग्रोथ, तो 16.8%, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहां क्या पूछा आपसे, डिपॉजिट 10.3%, ऑप्शन नंबर ए। देख लो यहां पे, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द एक्सिम बैंक टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शन, आंसर इज आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच बैंक हैज पार्टनर विद द एक्सपीरियन इंडिया, आंसर इज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु लॉन्चेस द ग्रीवांस अपीलेट कमेटी पोर्टल, किसने लॉन्च किया? तो मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने। ये कौन है गाइस? ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी है ना, तो ये देख लीजिएगा। तो भारत सरकार हैज अप्रूव इट्स लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप द प्रोजेक्ट, आंसर इज एनएचपीसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट, तो $3.9 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच टीम हैज डिफीटेड न्यू कैसल टू विन द कैराबाओ कप, तो आंसर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। 6 साल के बाद और 6वां टाइटल इनका दोस्तों है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम हैज वन द 13, तो आंसर इज एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने फाइनल मैच में हराया महाराष्ट्र को, ठीक, और नंबर 3 पे रहा झारखंड, इसने हराया हरियाणा को दोस्तों। आंध्र प्रदेश काकीनाड़ा में यह इवेंट हुआ, हमें यह भी पता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, वेयर वॉज द 13, कहां पर यह हुआ? तो आंध्र प्रदेश काकीनाड़ा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नेम एज द बेस्ट प्लेयर इन मेंस फुटबॉल बाई फीफा बेस्ट फीफा वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है आंसर इज मेसी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा ध्यान दो दोस्तों, मेसी का यह दूसरा अवार्ड है, मेसी का यह दूसरा अवार्ड है। देखो दोस्तों 2010 में क्या हुआ था, 2010 में फीफा, ठीक है, और बैलेंटियोर ये दोनों आपस में मिक्स हो गए थे। तो 2010 से लेके 2015 तक जो अवार्ड था वो इसके नाम पे होता था, लेकिन अगर आप बात करोगे बेस्ट फीफा फुटबॉल की, तो दोस्तों हुआ क्या कि 2016 में क्या हुआ, 16 में फीफा ने बैलेंटियोर को हटा दिया, और जो आप ये देख रहे हो ना बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द 16, और पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें जीते दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम कब, तो अगर हम बेस्ट फीफा फुटबॉल कहते हैं तो ये हम गिनते हैं आफ्टर द 16। तो रोनाल्डो ने पहली बार 16 में 17 में, तो देखो मुझे याद है 16 में और 17 में जीता था रोनाल्डो ने, 18 में लुका मॉड्रिक, 19 में मेसी ने जीता था, 20 में और 21 में जीता है दोस्तों लेवेंडोस्की ने, और 22 में फिर से एक बार जीता किसने, मेसी ने। यानी कि ये अवार्ड जो है 2 बार रोनाल्डो, 2 बार मेसी, 2 बार लेवेंडोस्की और 1 बार लुका मॉड्रिक ने जीता हुआ ये अवार्ड। अच्छा लगे तो जरा, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया, हु हैज बीन नेम एज द बेस्ट प्लेयर इन द वुमेन्स, आंसर क्या होगा, एलेक्सिया, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कंप्लीट होती गाइस, अब आपके रिवीजन करने के लिए एमसीक्यूज कराएंगे आपको, जहां पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखिए, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो रिलायंस जियो की रैंक क्या है इन द वर्ल्ड, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा था एशिया, तो एशिया में पहले नंबर पे,
लेकिन वर्ल्ड की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों, क्या पूछा गया है? विच ब्रांड हैज टॉप इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड दोस्तों? तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिस्कॉम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसका स्कोर है 92। रिलायंस जियो नंबर टू पे दोस्तों, इनका स्कोर है 90। नंबर तीन पे आपका है एटीसेलेट, नंबर फोर पे आपका है एमटीएन, और नंबर फाइव पे आपका टेलसेल। टेलसेल मैक्सिको, एमटीएन अफ्रीका, ये आपका यूएई, ये इंडिया और ये स्विट्जरलैंड, है ना दोस्तों। सारी पर पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हु एज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर डीजी ऑफ द पीआईबी दोस्तों? यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द राजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजेश मल्होत्रा गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला टिनुबू ये किस देश के प्रेसिडेंट बने? तो ये बने हैं किस देश के? नाइजीरिया के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एज पर द डेटा जो एनएसओ, एनएसओ ने क्या बोला है कि थर्ड क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो 4.4% गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, मूडीज ने क्या बोला गाइस? तो मूडीज ने बोला था पहले 4.8%, इसको बढ़ा के 5.5 कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी की बात करें गाइस, तो जीएसटी जो है वो 12% बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 1.49 दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.49 लाख करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 1311 करोड़ रुपए कौन सी गवर्नमेंट को दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट द कंट्री फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग एप्लीकेशन? आंसर इज डीएमआरसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाम इसका होगा मोमेंटम 2.0, मोमेंटम 2.0 दोस्तों। एट विच प्लेस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास कल्मिनेटेड? आंसर इज आपका डिब्रूगढ़ असम। ऑप्शन नंबर ई। 3200 किलोमीटर की यात्रा गाइस, है ना, 5 स्टेट, 27 नदियां, बांग्लादेश, ये सब मैंने पढ़ाया अभी आपको दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, अच्छा वही है, आपसे पूछा कि द रिवर क्रूज ट्रेवल्ड हाउ मेनी किलोमीटर? आंसर इज 3200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, विथ डिमांड फॉर फॉरन प्लांट्स मटीरियल फॉर एप्पल्स, ये है तो आपसे पूछा गया कि क्लीन प्लांट सेंटर कितने? 10 ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 7 सालों के लिए 2200 करोड़ रुपए, सारे पॉइंट आपको पढ़ाए गए यहाँ पे, आप देखो यहाँ लिखा है। इन 10 सेंटर्स के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फॉर द 7 ईयर्स, फॉर द 7 ईयर्स गाइस। ठीक है, रायसीना डायलॉग का कौन सा एडिशन शुरू हुआ दोस्तों? रायसीना डायलॉग का 8वां एडिशन। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, 8वां एडिशन गाइस। ठीक है, अच्छा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर इसे होस्ट करती है गाइस। 8वां एडिशन दिल्ली में ये हो रहा है दोस्तों। 2016 में इसका पहला एडिशन हुआ था। जॉर्जिया मेलोनी जो है दोस्तों वो चीफ गेस्ट बनेंगी। ये सब पॉइंट हमने पढ़ा हुआ, इटली की प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, है ना। विच टीम हैज बिकम द सेकंड टीम? आंसर इज न्यूजीलैंड दोस्तों। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया। पहली टीम वेस्ट इंडीज बनी इन 1993, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया दोस्तों, हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसएम एसोसिएशन हैज कन्फर्ड द कन्फर्ड गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, विच कंट्री? तो भाई भारत को मिला ना, इंडिया को मिला क्या आपका? इंडिया को मिला गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद ही होगा, हमने पढ़ाया था आपको अभी दोस्तों। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ द हाउ मनी गाइस? आंसर इज 70। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, G20 फॉरेन मिनिस्टर कहाँ हुआ दोस्तों मीटिंग? दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। G20 मीटिंग ऑफ द एंटी करप्शन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुड़गांव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सेकेंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्क, आंसर इज गुजरात, गांधीनगर। पहला कहां पे? बेंगलुरु गाइस, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ द जीरो डेस्टिनेशन दोस्तों? तो आंसर इज सेव लाइव्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेयर विल द 47th सिविल अकाउंट डे बी सेलिब्रेटेड ऑन द 1st मार्च? तो दिल्ली होगा मेरे ख्याल से, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो इस बार 47th एडिशन था दोस्तों, वो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर डिड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ केमिकल इन गोवा ऑर्गेनाइज? तो पणजी का आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे एमसीक्यूज की, जहां पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम? वियतनाम के नए प्रेसिडेंट दोस्तों कौन बन गए, या फिर पूछा गया। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों?
यहां पे हमारा आंसर होगा वो वन थूंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी वीगार्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। विच इंडियन स्टॉक ब्रोकर फर्म हैज रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर म्यूचुअल फंड दोस्तों? आंसर इज द एंजलवन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन फॉर को ब्रांडेड कार्ड दोस्तों? आंसर इज एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हकानी जखलू किस राज्य की विधानसभा चुने के लिए? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, इनके साथ कुर्से जी भी थे, कुर्से वो भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच आईआईटी हैज साइंड एमओयू विद दिस, ये पॉइंट क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच आईआईटी हैज साइंड एमओयू विद द इंडस्ट्री एंड अकेडमी ऑफ डेनमार्क? आंसर इज आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज बाई हाउ मच परसेंट? सो तो 7.45%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है, रजिस्टर्ड ड्यूटी हैज द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द 3 कैडेट ट्रेनिंग? तो आंसर इज L&T, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ की है दोस्तों? ये पूछा गया आपसे, ये कहाँ की है? तो ये कहाँ की? ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस ये कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? श्रीनगर से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड द पोर्टर प्राइज? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, ठीक है, तो द कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज एवरी ईयर सिंस, अब चूंकि ये 8वां एडिशन है गाइस, इसका आंसर क्या होगा? 2016, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग विच एडिशन? आंसर इज 8th, ऑप्शन नंबर डी, मैंने अभी बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्शुअल, ठीक है, ये किस सिटी में? दिल्ली में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एट विच प्लेस इंडिया होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर? आंसर इज बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द बुक ऑफ बिहारी ट्रेजर? आंसर इज अभय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। ऑन विच डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दोस्तों? आंसर इज 3rd March, ऑप्शन नंबर सी। इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट गोल्ड माइंस हैव बीन डिस्कवर्ड? आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने बात के लिए पढ़ाई की, अब बात करेंगे एमसीक्यूज की, जहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम? वी हैव 5 ऑप्शन गाइस, आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा क्रेग फुल्टन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ग्राहम रीड तो चले गए दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल दोस्तों? क्या आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज रश्मि शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरबीआई हैज इम्पोज 3.06 करोड़ पेनल्टी ऑन विच ई कॉमर्स कंपनी दोस्तों? अमेजन पे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक एंड द इंडिया हैव साइंस 2 कम्प्लीमेंट्री लोन्स हाउ मच मिलियन टू सपोर्ट एंड एनहांस द कंट्री? ठीक है, आंसर इज $1 billion गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक अनाउंस कंप्लीशन ऑफ $1 billion सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी गाइस? आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज लॉन्च स्टैक फॉर कैपिटल मार्केट एंड इन्वेंट्रीज? स्टैक का मतलब क्या होगा? तो ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो क्या पूछा गया? एक मिनट, विच बैंक कंप्लीट डील टू बाय सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस? आंसर क्या दोस्तों? आंसर इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सिंगापुर एयरलाइन डील विद टाटा सन्स टू गेट 25.1% स्टेक इन एनहेंस विद व्हिच, तो भाई सिंपल एयर इंडिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्हिच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू बैन सेल ऑफ गुड गोल्ड ज्वेलरी हॉल मार्क्ड विदाउट अ सिक्स डिजिट हो। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इंडिया हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू बैरियर, वेयर वॉज विदर्भा, ऑप्शन नंबर ए इज, भाई देखो ये चीजें हैं विदर्भ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर जो पढ़नी थी आपको। विच ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरी एफ आई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड थी, आंसर क्या, आंसर इज द जैस्मिन एल्डर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नैना तो 4 साल का बहन दोस्तों, इनका नाम क्या है, ऐश्वर्या बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं गाइस। Who has been chosen as the business standard banker of the year guys? Answer is Jagdishan ji, option number B is the right answer. ठीक है? Quad foreign ministers meeting कहां पर हुई? दिल्ली में हुई दोस्तों, option number C is the right answer. ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Which city will host the Civil 20? दोस्तों कैसे आंसर होगा? Answer is नागपुर महाराष्ट्र, option number D is the right answer. नेक्स्ट पॉइंट, अजीज मुशब्बर अहमदी, ये यहाँ थे फॉर्मर सीजीआई थे, ये कौन से नंबर के सीजीआई थे, इनका निधन हो गया दोस्तों, आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर इज 26, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑन विच डे इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड दोस्तों, आंसर इज 3rd March, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑन विच डे इज नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड दोस्तों, आंसर इज 4th March, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लाडली बहना स्कीम दोस्तों, आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिव चौहान ने कहा कि तहसील मऊगंज ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट द विच नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, आंसर इज 53rd, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एलिस बलियात्स्की हु वन द नोबेल पीस प्राइज दोस्तों, इन्हें 10 साल की जेल में गई है, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, आंसर इज बेलारूस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बात करेंगे एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज में यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबली इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग। अब जो लोग बतिया रहे थे उनको दिक्कत होगी यहाँ पर, क्योंकि हम तो बात करने आए थे क्लास में, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 37th place, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 37th place पे दोस्तों है यहाँ पे अजय रेड्डी पूछ रहे हैं सर आपकी शादी हो गई क्या, क्या बोलूंगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच सिटी रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग, तो पहले नंबर पर दोस्तों, तो पहले नंबर पे है दोस्तों दुबई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दुबई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ द प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस, आंसर इज द पंकज गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन विच स्टेट इज मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड, याद आंसर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर होगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन विद श्रीलंका, एंड द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री एक्सटेंड इट्स MOU विद द NIFT फॉर प्रोवाइडिंग, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
Who among the following is launched Catch the Rain campaign? So answer is our honorable Rashtrapati ji. Now is Dr. Murmu ji. Option number is the right answer. Dosto, who has been appointed as the chairperson of the Central Electricity Regulatory Commission? Dosto, and the right answer is Jishnu Barua. Option number A hamara sahi answer hai dosto. Theek hai. Union Chemical and Fertilizer said that, matlab ministry said that government, acha ye chhodiye, ye the Supreme Court constituted an expert panel to probe the regulatory value on the Adani issue. Theek hai, who will chair the committee? 6 member hai isme dosto, and lead by the AM Sapre. Option number A is the right answer. Who has inaugurated the camel product processing utilization? To theek hai, answer is Purushottam Rupala. Option number C is the right answer. Bikaner mein banayi. Next point. Which team won the Santosh Trophy for the first time in 54 years after sealing it? Theek hai, answer is Karnataka. Option number C hamara sahi answer hoga. Women Premier League mein dosto kitni team khel rahi hai? 5 team khel rahi hai. Option number A is the right answer. Who was awarded yes pen Nabucco award dosto? The answer is Vinod Kumar Shukla ji. Option number E is the right answer. Theek hai, aage badhte hain. Which edition of the Naval Commanders Conference? Pehla edition. Option number A. Ye kahan par hua? NS Vikrant mein dosto. Next point. The Indian Air Force along with whom participated in exercise Sinyu Maitri? Japan. Option number C is the right answer dosto. At which place youth affairs matlab kahan par dosto ye launch kiya gaya? Youth Festival India 2047. Answer is Ropar, Punjab. Option number C is the right answer. Recently Satyavrat Mukherjee passed away. He was, ye hamare obituaries mein hoga, aap dekh lena, itna important nahi tha ye. National Security Day hum kab manate? To National Security Day dosto hum 4 March ko manate hain. Option number A hamara sahi answer hai. National Safety Day kab manate hain? To National Safety Day hum kab manate hain? Answer is 4 March. Option number A is the right answer. Which state government has decided to waive off road tax registration fees? Answer is Uttar Pradesh. Option number B is the right answer. So, theek hai. थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा. अब धीरे धीरे हम लोग अपने, मैं अपने सुर लय ताल में आ रहा हूँ. अभी तबीयत ठीक लग रही है, प्रॉपर और अच्छा लग रहा है. तो ऐसे दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में. थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए. और PDF आपको मिल जाएगा जहाँ आपको मिलता है, आप जानते हैं. और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच.